नमस्कार, मैं विवेक कुमार और मेरे साथ मेरे मित्र नवीन कुमार गाड़ी में बैठे हैं। हम आ गए हैं रेवाड़ी शहर में और रेवाड़ी एक ऐतिहासिक नगरी है और हम हैं हेमू की हवेली के पास। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिन्होंने सन 1556 में मुगलों को हराया और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया। तो एक बार देख के चलते हैं, इसका मेन गेट देख लेते हैं, मुख्य द्वार। पत्थर से बना हुआ है और ये दरवाजा है, अंदर दीवार का शीशम की लकड़ी का ये बना हुआ है और जर्जर अवस्था में है। अब हम इसके बैक साइड से एंट्री करेंगे, हमें जाके चाबी लेनी होगी अंदर। हाँ, पत्थर की नक्काशी है और बड़े स्तंभों पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं और ये हंस बनाए हुए हैं। देखिए, अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं बैक साइड से, पिछला जो द्वार है उससे, हेमचंद्र विक्रमादित्य की हवेली में। देखिए, ये इसका प्रथम तल है, ये 1000 वर्ष यानी कि 1000 ईयर्स पुराना है। यहाँ थोड़ा अंधेरा है, यहाँ पर पत्थर का प्रयोग किया गया है, स्लेटी पत्थर। और ये देखिए, इनका राज्याभिषेक हुआ था 7 अक्टूबर 1556 में, जब इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये एक कक्ष इधर है नवीन जी, इसमें पुरानी छत है, आइए। हाँ, इसमें है ये पुरानी छत, ये पूरा चुनने का क्रम वहां पे कभी वो चंगा दे के बाद। ये देखो, ये किस तरह का वो है गुप्त, क्या क्या चीज है ये, समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह का क्या है। यहाँ पे चमगादड़ क्या उससे इस पड़े हुए हैं और ये सारा वही पत्थर है। हाँ, ये स्लेटी पत्थर है राजस्थान का। कहाँ पे भी पाया जाता है इस तरह का पत्थर है? ये अरावली हिल्स में ही होता है ये। और ये किस तरह का वो है? ये शायद उसके लिए, ये प्रकाश के लिए है। हाँ, प्रकाश के लिए। बाहर से नैरो उसमें है। ये देखिए, ये आर्च डाली गई है, ये आर्च भी पत्थर में है क्या नवीन जी, या ईंटों में है? नहीं, ईंटों में, पत्थर में है, क्योंकि यहाँ पे उसका ईंटों का इस्तेमाल नहीं है, पत्थरों का इस्तेमाल। तो ये आर्च भी पत्थर में ही है। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी मिलेगा तो देखेंगे पत्थरों का ही यहाँ पर यूज़ किया है। ये रखना कहीं पर भी वो नहीं है। ये पत्थर है, उसके ऊपर फिर उसका चला जयपुर का और चूने का लेप है। तो बजरी का प्रयोग किया गया लिपाई में। ये हो गया था, अब ऊपर चलते हैं एक बार। हाँ, ये स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। और जीने का डिजाइन देखो, काफी सुंदर है ये। लोग ऐसी टाइल लगाते हैं अपने घरों में, सीमेंट का घर बना के। ये है चूना, और ये चूना का अपने रिपेयर करवा के लगा। अब इसकी मजबूती देखो आप। और ये देखो, ये बुर गया कभी, ये फर्क है चूने और सीमेंट में। तो ये द्वितीय तल है और इसको 500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। अच्छा, ये मुख्य द्वार, मेन गेट, ये यहाँ की छत देखो, पत्थर
लाल पत्थर और देखिए कितनी सुंदर जाली यहाँ लगी हुई है, हाथ से इसकी नक्काशी की गई है। ये वो इसकी की है शायद, ये है ना, इसमें पीतल का वो पीतल की की लगाई हुई है। ये दो पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लगाई गई है। हाँ, उसी के लिए ये वाला पत्थर निकल गया है। इधर देखिए ये इधर भी है, ये यहाँ पे भी उस तरह की जाली थी, ये हाँ। ना की का स्थान, लेकिन यहाँ का पत्थर निकल चुका है। ये इंटरलॉक करके लगाए जाते थे। हाँ। और इधर का भी था, ये था जिस तरह जो मार्बल लगाते थे उसमें सिक्का लगाते ना चले। यहाँ से देख जाली होगा, यहाँ से जाली के अंदर भी लेयर्स बनाई गई है बीचों बीच, है ना। और ये इस पूरे पत्थर के अंदर ही ये जाली काट हाँ, के बनाई गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि इसको अलग से लगाया गया हो। हाँ। अति सुंदर। ये दरवाजा तो बाद में लगाया गया है, ये पुराना ही दरवाजा भी हवेली के लिखा है, पुराने दरवाजे हैं लेकिन बाद में लगाया गया। और ये ऊपर पजावड़ी टो का भी प्रयोग किया गया, देखिए ये आर्च देख गोल आर्च। ये पजावड़ी टो में बनी है। ये पूछ रहा है ना तो कि वो जो आर्च बनाई गई है पत्थरों की या किसकी है, लखनऊ की बता रहे थे। हां हां, ये देखिए जो पुरानी आर्च अंदर की पत्थर ही पत्थर है, इसमें वो ईट भी है और वो भी है। ये जो है जंगल का क्या बनाई गई है जी, इस तरह की छोटे छोटे अलमारी लग रही है, अलमारी या कोई ऐसे गुप्त इस तरह का सामान रखूंगा। ये तो गिलहरी है, इससे ऊपर भी एक वो था। इसकी छत किस प्रकार की थी, कड़ी तो नहीं है यहाँ पर, कड़ियों का वो बचा ही नहीं। हाँ है, कड़ी कड़ी है, होल्स बचे हुए यहाँ पे, ठीक है ठीक है, क्योंकि लकड़ी की छत होती थी उसमें। हाँ बिल्कुल पास पास, ठीक है ठीक है, चलिए। एक यहाँ पे वो होती है, हाँ ये स्तंभ बचा हुआ है। ये पुरानी छत बची हुई है नवीन जी, दोनों पुरानी, ये रही ये पुरानी छत है, ये लकड़ी का शहतीर है। लकड़ी की उम्र कितनी होती है वैसे, 500 साल तो कम से कम चलती है, तो 500 साल तो ये चल चुकी है। हाँ 500 साल तो इसको हो ही चुके हैं। और ये दीवार देखिए कितनी सुंदर चिनाई इसकी की गई है, पुरानी छत है लेकिन लकड़ियाँ उनकी निकल चुकी हैं। हाँ पर वो चूने का लेंटर बच गया, चूने का लेंटर बचा हुआ, लकड़ी निकल गई। ये अलमारी होती होगी यहाँ पे, ये शायद पत्थर ही था, पत्थर की स्लैब यहाँ भी डाली गई है ऊपर। हाँ। ये चित्रकारी कब की है, ये तो बाद की है, ये बाद में पेंट कर रखा ना वाइट अलग से सफेदी वगैरह, बाद में यहाँ पे रहता होगा कोई शायद, है ना, उसने बनाया होगा। अलमारी है ये, छत तो बिल्कुल गिरने पे है, इसके ऊपर वो नहीं है। देख इधर बीच में यहाँ पत्थर है, हाँ बीच में लकड़ी है, दोनों साइड में पत्थर है और उनके ऊपर वो चूने का चेका दिया हुआ है। ये दीवार कितनी सुंदर है देखिए, ऊपर ये डिजाइन पहले पत्थर की, लाल पत्थर तो हमारे घर में भी था पुराना। इधर देखिए पजावड़ी ईंटों में, इधर देख आर्च का डिजाइन,
पीछे भी ऐसा ही कुछ है। नहीं उसमें सिंगल वो दे रखी है। हाँ इसमें ये स्लैब डाल के और उसके ऊपर रिलीविंग आर्च डाली गई है, उसके बाद में हाँ। और ईंटों में ही स्तंभ बनाया गया है, देखिए गोलाई में काट के इनको। ये हुक्का क्या यूज है? मेरे काम में बाद में लगाया पहले? नहीं नहीं पहले का ही है ये। लेकिन बाद में वो ध्यान से देखते फिर पता चलता है कि इनका क्या नाम है, किस चीज में इस्तेमाल होता होगा। नवीन जी ये देखिए, ये सीमेंट तो नहीं है, ये चूना ही है मुझे, है ना? और ये 500 साल पुराना चूना। हाँ पूरा पक्का हो चुका है ये। ऐसी कोई बीमार नहीं होगी जो सीमेंट में बनी होगी और वो 100 साल भी चल, वो 50 साल भी नहीं चलती सीमेंट की। तो ये 500 साल से ऐसे कैसे है? अब भी अगर इसकी मरम्मत कर दे तो अब भी बहुत टाइम निकाल सकती है। कोई उतार ही नहीं, 500 साल है और ये मेरे ख्याल से 2-4 साल ये देख कितना लंबा इसमें लकड़ी का सेट ये रखा। पहले मलेशिया, पहले आसाम से साल आता था। अच्छा, आसाम का साल समाप्त हो चुका है। ये दरवाजे का कुछ है, इधर भी है ना ये देखो। हाँ, दरवाजे पे है, एक बीच में है और उस दरवाजे पे भी है। ये एक छोटा सा कक्ष है, ऊपर देखिए छत। हाँ, और ये देखिए गोलाई में इनको भरा गया है। हाँ, खड़ंजे को सजावटी ईंटों की जो हम वो बनाते हैं छत बिना उसकी चैकी, मतलब डाट भर के जिसको बोलते हैं। चलिए तो ऊपर चलते हैं तीसरे तल पे। ये देखो यहाँ पर भी लकड़ी। हाँ, का इस्तेमाल आसान साल है ये। और यहाँ के पत्थर देख इतने सुनहरे, चमकदार। और ये जीना यहाँ से भी और ऊपर जाता है और एक जीना वहाँ पर है और ऊपर से छत टूटी हुई है ना। हम सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की हवेली पर हैं, उनका पैतृक भवन घर। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जो जिनका जन्म अलवर में हुआ था, हेमू उनका बचपन का नाम था, और इन्होंने फिर रेवाड़ी आकर व्यवसाय किया। रेवाड़ी में ही ये हवेली बनी हुई है। और यहाँ पे गन पाउडर ईरान और इराक से निर्यात करते थे और हेमू यहाँ पर गन पाउडर मंगाते थे ईरान और इराक से और शेर शाह सूरी को सप्लाई करते थे, जिसके कारण उनसे अच्छे संबंध बन गए थे शेर शाह सूरी से। और इन्होंने अच्छा पद प्राप्त कर लिया था सेना में। ये सेनापति भी बने थे और सेनापति भी बने। और एक समय ऐसा आया जब मुगलों की सत्ता हिल गई थी, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी उसके पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर के। उस अवसर का लाभ उठाते हुए हेमू ने बंगाल की तरफ से आक्रमण किया और वहाँ से वो दिल्ली की तरफ चले। लगातार 22 लड़ाइयाँ उन्होंने जीती। 22 युद्ध जीतने के बाद वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली के पुराने किले में आकर उन्होंने समस्त भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया, वैदिक राष्ट्र घोषित किया उन्होंने और हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उनका पूरे तरीके से राज्याभिषेक किया गया, 3 दिन तक वो कार्यक्रम चला था। आप ये देखो अभी यहाँ की ये छत है, शायद इसके ऊपर भी छत रही होगी, ये किसके लिए यूज होता था, लेकिन यहाँ पर पानी की निकासी के लिए। तो इस तरफ शायद भवन रहा होगा, ये शायद खुला। आप खड़ंजा देखिए पजावड़ी ईंटों का,
टेढ़ा ऐसे तिरछाई में लगाई गई है ईंट, और ऐसे गोलाई में भरते हुए शुरू करके और पहुंच के बीच में जब वो जगह रह जाती है तो उसमें चाबी ठोक दी जाती है। वहां पे गुप्त बोधी दिखाई देती है। ये मेरे ख्याल से ये एरिया खुला था क्योंकि इसकी छतरी बहुत दिखती है, या पता नहीं यहाँ पे छतरी होगी। ये तो एरिया पक्का खुला है क्योंकि यहाँ पे पानी की निकासी का व्यवस्था की गई है। और चलो अभी चलते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य जी जो हिंदू सम्राट हुए थे उनका कुछ वर्णन है, और उनकी ये हवेली है जो फिलहाल तो लगभग खंडित हो चुकी है, परंतु तो फिर भी बहुत सुंदर दीवारें बची हैं। बिल्कुल, और अभी भी काफ़ी मजबूती है। नवीन जी कई स्थानों पर ये देखिए, हम आज कहते हैं ना कि केवल बड़ी बड़ी दीवारों दीवार ही चूने में बनाई जा सकती है, और ये देखिए एकदम, ये तो 3 इंची बनाई गई है, 3 या 4 इंची मैक्सिमम, 4 इंची 4 इंची दीवार है, और आज भी, और इसके ऊपर ये आर्च भी डाली गई है। तो 1000 वर्ष पुराना ये भवन, और जो ऊपर वाला ये तल है जो पुर्तगाली स्टाइल में बना है ये 500 वर्ष पुराना है।